मैहर में शारदीय नवरात्र मेला की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिला प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपनी कमर कस चुका है। मैहर में मां शारदा के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और व्यवस्था के जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैहर की ऊंची पहाड़ी पर मां शारदा का मंदिर है। शारदीय चैत्र नवरात्र मेला में 10 से 15 लाख भक्त मां शारदा के दर्शन करने मैहर आते हैं। 15 दिनों तक चलने वाले इस मेले में मध्य प्रदेश के अलावा देश के कोने कोने से भक्त मैहर आते हैं। वहीं प्रशासन आने वाले दर्शनार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी इंतजाम भी करता है। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में मां शारदा मंदिर क्वार और चैत्र नवरात्र में अपना एक विशेष स्थान रखता है। लोगों की श्रद्धा और आस्था मैहर वाली माता के लिए नवरात्रि में विशेष तौर पर देखी गई है। मां शारदा के दर्शन कर मां के भक्त अपने आप को धन्य मानते हैं। मैहर मां शारदा का मंदिर हाई अलर्ट जोन माना जाता है। प्रशासन के द्वारा जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस भी तैनात की गई है। पहाड़ी पर 600 मीटर की ऊंचाई में मां शारदा का भव्य मंदिर बना हुआ है। मंदिर तक जाने के लिए 1080 सीढ़ियां बनी हैं और साथ में रोपवे से 144 रुपए की टिकट लेकर आने जाने की सुविधा उपलब्ध है। इस मंदिर का अस्तित्व 6वीं शताब्दी के इतिहास में मिलता है। सन 1918 में यह मंदिर छोटा सा था। मंदिर में आने जाने के लिए पहाड़ी में दुर्गम रास्ते का उपयोग होता था। सन 1951 में इस मंदिर में सीढ़ियों का निर्माण हुआ और श्रद्धालु भक्त मां के मंदिर में सीढ़ियों से आने जाने लगे और भीड़ बढ़ने लगी। धीरे धीरे चैत्र और क्वार नवरात्रि में मेला लगने लगा। प्रतिवर्ष चैत्र और क्वार नवरात्रि मेले में लाखों श्रद्धालु भक्त मां शारदा के दर्शनों के लिए आने लगे। ये मंदिर मां शारदा शक्तिपीठ के नाम से देश में तीसरा शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। मां शारदा के मंदिर में सुबह 4 बजे मां की आरती और भजन के बाद भक्तों की कतार लगती है और उन्हें दर्शन मिलते हैं। शाम को 7:30 पर आरती और भजन होते हैं, जिसके बाद मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। माँ में आपकी कैसी आस्था है और माँ के बारे में आप कुछ बताएं जो आपको मालूम है। सबसे पहले तो माँ शब्दी ब्रह्मांड के लिए सबसे बड़ा शब्द है। माँ से ज़्यादा प्रेम स्नेह और आत्मसमर्पण किसी में नहीं होता। माँ खुद में माँ जगत जननी माँ शारदा है। ये 52 शक्तियों पीठ में एक है। माँ शारदा सरस्वती का रूप है। माँ शारदा कंठ में विराजमान बुद्धि दाता है। माँ शारदा के यहाँ बुद्धि विवेक और सरस्वती विराजमान है। यहाँ माँ शारदा का कंठ गिरा था, कंठ के साथ साथ हार गिरा था, तो इसका नाम माई हार हुआ था। अब लोग बाग मैहर कहते हैं, पर ओरिजिनल नाम माँ शारदा का माई हार था। यहाँ हमारे प्राचीन आला जी, जो शास्त्रों में सबसे ज़्यादा अमर होने का वरदान मिला, वो आला जी को मिला। सबसे पहले तो कोई भी देवी देवताओं को इतनी भक्ति में अमर होने का वरदान नहीं मिला, तो स्वाभाविक है माँ शारदा की उन्होंने तपस्या की, मेहनत किया, भक्ति किया, उससे उनको अमर होने का वरदान मिला। आप कितनी भक्ति में लीन हैं माँ शारदा के? मैं तो माइक में सब छोड़ा हुआ हूँ, ना कहिए नवरात्र में 9 दिन के सुबह आरती माता रानी के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त होती है। शाम को भी आता हूँ और उसके साथ साथ नवरात्रि के 9 दिन में दर्शन करने आता ही हूँ। आप जैसे कि लगातार माँ के दरबार में आरती करने सुबह शाम आते हैं, माँ से आपने कुछ ऐसा मांगा जो आपको मिल गया हो? मैं जो भी मन में सोचा हूँ, जो भी मैं मांगा तो नहीं हूँ, पर जो भी मेरे मन में प्रकट हुआ है वो माँ शारदा मेरे को दी है, इसका मैं उनका ऋणी हूँ और आभारी हूँ। नवरात्रि मेले को लेकर पुलिस व्यवस्था क्या रहेगी और सुरक्षा के मद्देनजर स्पेशल क्या किया जाएगा? देखिए, आने वाली नवरात्र में जो भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, तो जैसा कि आपको पता है यहाँ 3 प्रकार से श्रद्धालु माता के मंदिर तक पहुँचते हैं। एक वैन है, सड़क मार्ग से जाती है, एक सीढ़ियाँ हैं जिसमें बहुसंख्यक श्रद्धालु जिनसे जाते हैं, और एक रोपवे है, रोपवे के माध्यम से भी बहुत सारे श्रद्धालु दर्शनों के लिए जाते हैं। तो तीनों ही तरीकों से जाने वाले मार्गों पर पुलिस के लिए सुरक्षा के हिसाब से पुलिस की पूरी व्यवस्था की गई है, और साथ में मंदिर प्रबंधन समिति और जो स्थानीय प्रशासन के साथ भी ज्वाइंट मीटिंग्स हुई हैं, जिनके द्वारा श्रद्धालुओं की जो आवश्यकताएं हैं, जो उनको समस्याएं ना हो किसी प्रकार की, उनका भी ध्यान
रखा जाएगा। कितने पूरे सुरक्षा बल रहेंगे सर पूरे मेला में, ये 10 दिनों को जो आयोजन है इसमें कितने सुरक्षा बल रहेंगे? करीब 7 जोन इसमें हमने सुरक्षा के लिए बनाए हैं, और जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से लेकर आरक्षक स्तर तक के विभिन्न अधिकारी विभिन्न पॉइंट्स पे रहेंगे, और करीब 1200 के आसपास अधिकारी और बल इस व्यवस्था में रहेगा। जैसे कि मंदिर प्रशासन है हाई अलर्ट पर रहता है हमेशा से, तो कुछ स्पेशल भी व्यवस्था की गई है इसको? सारी स्थितियों को निपटने के लिए, सारी स्थितियों में काम करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की दृष्टि से हमने पूरी एक्सरसाइज की है, एक एक पॉइंट्स को देखा है, और जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी पूरी तरह से चाक चौबंद रहेगी। किसी भी की कोशिश के लिए हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और इसके लिए हम लोग काम करेंगे।